कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बावल में आयोजित सभा में एक बार फिर गुरुग्राम लोकसभा में चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। जनसभा को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम से चुनाव लड़कर अपने सभी विरोधियों को पटखनी देकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। इतना ही नहीं, यादव ने बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो अपने 40 वर्षों के कार्यकाल में मुझ जैसे किए आधे काम भी गिना दें तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं आपको एक वादा करता हूं, मैंने अब किस बार रिवाड़ी से मैंने लड़ने का फैसला नहीं किया। मैं फैसला ये किया कि अगर आप लोग चाहेंगे तो लोकसभा का चुनाव अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, मैं यहां से लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि मैं अगर राव इंद्रजीत सिंह की 40 साल की राजनीति है और मेरी 30 साल की राजनीति है, अगर उसने मेरे से आधा काम भी करा दिया हो तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता पाने से पहले लंबे चौड़े वादे तो किए लेकिन वे सभी हवा हवाई साबित हुए। अब जनता भाजपा की असलियत पहचान चुकी है और आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनता आईना दिखाएगी। हरियाणा के IAS अधिकारी अशोक खेमका एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने एक ट्वीट कर वाड्रा DLF डील पर सवाल उठाए और सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि जो अफसर उस कमेटी का मेंबर था जिसने 2012 में हुई रॉबर्ट वाड्रा DLF लाइसेंसिंग डील को क्लीन चिट दी थी, उसे अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी फील्ड में आकर्षक पोस्ट दी गई है। खेमका के ट्वीट के बाद मचे हड़कंप पर जब कैबिनेट मंत्री अनिल विज से पूछा गया तो उन्होंने सरकार का बचाव किया। विज ने साफ कहा कि इसमें CM का कोई दोष नहीं बल्कि ये नियुक्तियां सर्च कमेटी द्वारा सुझाए गए नामों के आधार पर हुई हैं। उनका अभिप्राय रेरा से है तो इसकी एक सर्च कमेटी बनी थी और सर्च कमेटी ने दो दो नाम सुझाए थे। मुख्यमंत्री जी को उन दो दो नामों में से ही एक एक नाम को सिलेक्ट करना था, तो ये तो सर्च कमेटी ने नाम सुझाए हैं उनमें से बनाया। आपको बता दें कि अशोक खेमका का हाल ही में तबादला हुआ है और ये उनका 51वां तबादला है। खेमका ने कई गड़बड़ियों और अनियमितताओं को उजागर किया है जिसके चलते हरियाणा की भाजपा सरकार के 3 मंत्रियों से वो टकरा चुके हैं। जनता के बीच होने वाले गैप को दूर करने के लिए घरौंडा पुलिस थाने में राज्य का पहला मित्र कक्ष स्थापित किया गया। CM मनोहर लाल खट्टर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए आदेश पर विधायक हरविंद्र कल्याण ने इस मित्र कक्ष का शुभारंभ किया। इस मौके विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि मित्र कक्ष से जनता को पुलिस थाने में अलग ही माहौल मिलेगा और जो लोग पुलिस वालों के सामने अपनी बात सही से नहीं रख पाते उनकी भी हिचकिचाहट खत्म होगी। समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपनी कोई भी बात लेकर आए, उस बात को अच्छे तरीके से यहाँ पर सिविल ड्रेस में, यहाँ पर एक ऐसा वातावरण जो एक छाप पुराने समय से पुलिस के बारे में है, वो छाप को से अलग हटते हुए बिल्कुल एक दोस्ताना, एक मित्र जैसे व्यवहार जो मिलेगा लोगों को, उस नाते से यहाँ पर ये मित्र कक्ष की स्थापना की गई है। विधायक हरिंद्र कल्याण ने कहा कि सरकार ने सभी प्रकार की सरकारी कागजी कार्रवाई को खत्म करते हुए सिंगल विंडो का सिस्टम शुरू किया है जिससे लोगों को अब बार बार थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा 16 ऐसी सेवाएं जिसके लिए पहले लोगों को करनाल SP ऑफिस में फीस जमा करवानी पड़ती थी, उसके बाद यहाँ आकर फिर वो कागजी कार्रवाई होती थी और वो कागजी कार्रवाई होने के बाद फिर यहाँ से उनको कागज मिलते थे, वो सब चक्कर खत्म होकर सिंगल विंडो सिस्टम उन सभी 16 सेवाओं के लिए वो सब यहाँ पर मिलेंगे। यहीं पर वो फीस जमा होगी और यहीं से वो सारी कार्रवाई होने के बाद उनको वो कागज मिलेंगे। सरकार ने घरौंडा जिले में 8 के करीब मित्र कक्षों को शुरुआत की है। वहीं विधायक ने पुलिस वालों को अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाने को भी कहा जिससे लोगों में पुलिस की छवि भी अच्छी बने।